विश्व में इसकी अपनी अलग पहचान है। तो आपकी दुआएं रहें पूरे विश्व में, पूरी जनता के लिए, देश दुनिया की। और हमें लगता है कि इन सारी बातों से ही, और हमको प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप जाइए अपने जिले में, आपके बहुत अच्छे स्थान है, मिलिए उनसे और उनसे कहिए कि भाई प्रधानमंत्री जी की रुचि है कि भाई इस काम में ये ऐसा समस्या सामने आ रही है, इसका इसके अलावा कोई और इलाज नजर नहीं आता। और जब आप कहेंगे तब लोग इस बात पर अमल भी करेंगे, घर से भी नहीं निकलेंगे, घर के अंदर महफूज रहेंगे। और ये कुछ दिनों की ही बात है, तो इस सिलसिले में यही कहना है कि इस मुल्क में इस तरह के हालात पैदा ना हो, और हिंदुस्तान के तमाम लोगों को चाहिए कि वो भीड़ करके इकट्ठा ना हो, अपने अपने घरों में रहें। और इसके लिए करणी शिव से पहले भी अपील जारी की जा चुकी है और दोबारा फिर एक अपील जारी की जाएगी कि लोग भीड़ ना लगाएं, इकट्ठे ना हों, जमा ना हों, और अपने घरों में ही तमाम इबादत करें। और अल्लाह रब्बुल्ज़त की बारगाह में गौस व ख्वाजा रज़ा और हामिद मुस्तफ़ा के वसीले से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इस मुसीबत से तमाम दुनिया के लोगों की हिफाजत फरमाए और बिलखसूस हिंदुस्तान के तमाम वासियों की हिफाजत फरमाए। इसके लिए यहाँ दुआ की जा रही है, हमने जल से जुलूस बंद करके और दुआओं में लगे हुए हैं इस मुल्क की हिफाजत के लिए।